रहे हैं सीएमएन न्यूज़, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। अजय साहिनी पुलिस अधीक्षक जौनपुर के निर्देशन में एफ डॉक्टर संजय कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर जौनपुर के मार्गदर्शन तथा अंकित कुमार क्षेत्राधिकारी शाहगंज जौनपुर के कुशल प्रवेशन में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों पर प्रभारी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज मध्य रात्रि थाना सरपथा पुलिस अपने थाना क्षेत्र में भ्रमणशील थी कि जनपद सुल्तानपुर अंबेडकर नगर एवं जौनपुर से पुरस्कार घोषित अपराधी के अपने एक अन्य साथी के साथ थाना क्षेत्र सरपथा में अप्रिय घटना कारित करने के उद्देश्य से आने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर आसपास के थाना शाहगंज खेता सराय की पुलिस व स्वाट टीम मौके पर पहुंची। घेराबंदी कर चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाई, जिसमें स्वाट टीम प्रभारी आदेश कुमार त्यागी के बीपी जैकेट पर गोली लगी व आरक्षी संजय कुमार सिंह थाना सरपथा के हाथ में गोली लगी। ये आपको बता दें कि इनके पास से एक 32 बोर पिस्टल, तमंचा व भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। मृतक इनामिया हिस्ट्री शीटर के पास से 2 मोबाइल व 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। अग्रिम विधि कार्यवाही भी की जा रही है। सुल्तानपुर जनपद का हिस्ट्री शीटर है, जिसपे लगभग 3 दर्जन मुकदमे हैं हत्या और डकैती के। इसकी सूचना अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट प्राप्त हुई थी आज। उसके बाद कई थानों के पुलिस फोर्स और स्वाट की टीम लगी हुई थी। गिरफ्तारी का पुलिस ने प्रयास किया, इसने फायरिंग की, जिसमें स्वाट प्रभारी के बीपी जैकेट पर गोली लगी और एक आरक्षी को गोली लगी। पुलिस ने जो कार्रवाई की उसमें प्रत्युत्तर की कार्रवाई के तहत इसे गोली लगी। उसके बाद PHC लाया गया, वहां डॉक्टरों ने इसकी स्थिति गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ पर ये मृत घोषित कर दिया गया है। इस पर अलग अलग स्थानों से IG रेंज अयोध्या साहब और बाकी 2 जनपदों से कुल 1,00,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसके पास से एक पिस्टल 32 बोर की ऑटोमेटिक और एक कंटीमेंट पिस्टल बरामद हुई है और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए हैं। बाकी इसमें विधिक कार्रवाई आगे सुनिश्चित जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब 3 दर्जन इस पर हत्या लूट डकैती के मुकदमे थे, गैंगस्टर कई मामले थे और पिछले 2 महीने में अम्बेडकर नगर जनपद में, सुल्तानपुर में, जौनपुर में बड़ी लूटें इसने की थी और पिछले महीने अम्बेडकर नगर में भी 2 मर्डर करके लूट की गई थी, गोली मारी गई थी, जिसमें अलग अलग लोगों की जान गई थी। वो सारी घटनाएं अभी तक प्रकाश किस किस जनपद में इनामिया था? इस पर इनाम बस्ती से IG रेंज अयोध्या साहब की तरफ से था, अम्बेडकर नगर से और जौनपुर से 3 जनों से इस पर पुरस्कार। कुल कितने का इनाम था सर? कहाँ मारा गया, कहाँ इसकी? 1,00,000 रुपये का इनाम था और ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है ये जौनपुर के सरपथा थाना क्षेत्र में हुआ है, जिसमें SOG टीम और बाकी थानों की पुलिस को। ये अकेले था घटना? जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें 2 लोगों की सूचना प्राप्त हुई थी, एक व्यक्ति फरार हुआ है, उसके लिए बाकी कार्रवाई और कानून से। जौनपुर टीम को कोई इनाम भी दिया जाएगा आपकी तरह? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1,00,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, जो टीम इसमें शामिल रही है जांच की प्रक्रिया के बाद पुरस्कार संबंधित टीम को। जौनपुर पुलिस कितने दिन से इसके पीछे थी, बनवास के पीछे? जौनपुर पुलिस जैसे ही घटना में इसका नाम सामने आया था, उस लूट की घटना में, उसके बाद से ही पुलिस लगातार जौनपुर में कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी इसको अंजाम दिया। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।